गुजरात में भारी बारिश और आधा दर्जन जिलों में बाढ़ से 25 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में मरने वाले लोगों की कुल संख्या अब बढ़कर 35 हो गई है। बाढ़ से प्रभावित वडोदरा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सेना के 4 कॉलम की अतिरिक्त तैनाती के निर्देश दिए हैं, तो वहीं IMG के सौराष्ट्र में आने वाले 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। मध्य गुजरात में आने वाले अहमदाबाद और वडोदरा जिलों के येलो अलर्ट है। आसमानी आफत के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। कई दुकानें डूब चुकी हैं, मकानों पर पानी का कब्जा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर नदियां बह रही हैं। ये तस्वीर वडोदरा के काला घोड़ा इलाके की है, जहां बाढ़ की जबरदस्त मार पड़ी। पेट्रोल पंप डूब गया, ट्रैक्टर पानी में तैरने लगा, तो वहीं गाड़ियां छत समेत पानी में गोते खाने लगी। हालात बिगड़ने पर रेस्क्यू के लिए सेना ने मोर्चा संभाला। अभी मुसीबत कम नहीं हुई है। आज भी कच्छ, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ समेत 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में बाढ़ से हालात बेकाबू, आज भी 13 जिलों में रेड अलर्ट। कई इलाके बारिश के पानी में डूबे। गुजरात का आज के मौसम का पूर्वानुमान, रेड अलर्ट कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, भरूच, बोटाद, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर। गुजरात में बाढ़ से कई जिलों के हालात बेकाबू हो गए हैं, लेकिन भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी 13 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए NDRF, SDRF सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय तटरक्षक बल को मोर्चे पर लगाया है। इन बलों ने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.